पागबड़ा के नगर पंचायत कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन को जनता को सुनाया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री द्वारा देश में चलाई जा रही अनगिनत योजनाओं पर बताने के साथ साथ जनता को लाभान्वित करने के संदेश दिए गए और उसके उपरांत मुख्य अतिथि की अध्यक्षता में केक काटकर खुशी का इजहार किया गया। आपको बताते चलें कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और पूरा देश अपने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को अपने अपने अंदाज में मना रहा है। नगर पंचायत पागबड़ा के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी जी की तस्वीर को केक खिलाकर उनको बधाई दी गई और ईश्वर से उनकी दीर्घायु की कामना की गई। जन्मदिन पर सभी भाजपाइयों ने केक काटकर सभी को खिलाया और खुशी जाहिर की। 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाता है। जन्मदिन के अवसर पर नगर पंचायत पागबड़ा के कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोकसभा प्रभारी संभल राकेश सिंह ने बताया कि हमारे देश को गर्व है कि ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिनका डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है। देश का सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। मोदी जी की जन्म दिवस होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इच्छा व्यक्त करता हूं कि मोदी जी जब तक नेतृत्व उनके हाथ में है तो ये भारत सुरक्षित है और भारत की उन्नति बहुत तेजी के साथ हो रही है। ये भारत कभी गरीब नहीं था, भारत तो सोने की चिड़िया था। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे और कहते थे कि इसमें दूध की नदियां बहती थी और वास्तव में बहती थी, लेकिन ये देश आज फिर इसी स्थिति में पहुंच गया कि जिसमें कोई व्यवस्था नहीं थी, गांव को सड़क नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। तो इस प्रकार की अव्यवस्थाएं हुई तो सरकार लगातार चलती रही, सरकार जनता चुनती रही, प्रधानमंत्री बनते रहे, सरकारें चलती रही, लेकिन जनता का भला कभी नहीं हुआ, जनता का विकास कभी नहीं हुआ। लेकिन जब से 2014 के बाद नरेंद्र भाई मोदी आए तो उसके ऊपर बड़ा विश्वास जनता का था, हम सबका भी विश्वास था, क्योंकि जब गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे तो गुजरात पूरी दुनिया में एक ऐसा स्टेट था जिसे देखने विदेशों से भी लोग आते थे कि गुजरात का विकास कैसे है, क्यों कैसे होता है, वो देखने आते थे। और आज स्थिति भारत के वो प्रधानमंत्री हैं तो भारत को उन्होंने इस लायक कर दिया कि भारत को देखने और भारत को समझने लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार आ रहे हैं, भारत जिस समय सोने की चिड़िया था, जब भी भारत में विदेशों से लड़के बच्चे पढ़ने आते थे, यहाँ की शिक्षा ग्रहण करने आते थे, बहुत बहुत बड़े विश्वविद्यालय पहले भारत में ही थे। लेकिन ये दुर्दशा आप सरकारों की समझो या नेताओं की समझो, उन्होंने जिम्मेदारी नहीं समझी। और एक बार मोदी जी को तो अगर कहीं कुछ है तो उनकी लगन है कि भाई यहाँ का जो व्यक्ति है, गरीब है, जिसका कोई नहीं है, उसका मोदी जी सुरक्षा की व्यवस्था लेके आए हैं। मैं तो ये मानता हूं कि जैसे ऊपर वाला ना अपनी अपनी भाषाओं में अल्लाह कहो, भगवान कहो, राम कहो। वहीं नगर पंचायत पागबड़ा चेयरमैन पुत्र रिंकू गोस्वामी द्वारा कहा गया कि आज हमारा देश ऊंचाइयों को छू रहा है, हर गरीब को आवास, सभी को शौचालय, देश में सड़कें, ऐसी बहुत सारी योजनाओं को देखकर बहुत विकास हुआ है। बहुत सारे देश में लीडर आए रहे चले गए, कोई भी एक योजना इस तरह की नहीं आई जो ऊपर से चली और नीचे तक जनता के पास पहुंची। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में अगर प्रधानमंत्री आवास मिला तो बिना भेदभाव के सबको मिला, अगर शौचालय मिला तो बिना भेदभाव के सबको मिला। उज्ज्वल गैस योजना, एक समय था कि एक सिलेंडर लेने के लिए सांसद से विधायक से लेटर पैड लिखवाना पड़ता था, उसके बाद भी कनेक्शन नहीं मिलता था, और जिसके घर में गांव में कनेक्शन होता था तो उसके गांव को सबसे मालदार आदमी माना जाता था, और ऐसे ही शौचालय का था। लेकिन मोदी जी की सरकार में सभी को उन्होंने मुफ्त सिलेंडर, उज्ज्वल योजना के माध्यम से घर प्रत्येक दिए। आज कोई घर में सस्तों ऐसा बचा हुआ नहीं होगा जहां हमारी माताओं बहनों को चूल्हा फूकना पड़ता हो, सब आज गैस सिलेंडर पर रोटी बना रहे हैं और सबको भरपूर सप्लाई भी मिल रही है। और आपका प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों के लिए कभी किसी ने नहीं सोचा, 2.5 लाख रूपये पागबड़ा नगर पंचायत में भी लगभग मैं 1200 आवासों पर बनवा चुका हूं और अभी 1000 का वो कलेक्शन जारी चला गया है, वो भी जिन लोगों के रह गए वो भी उनके मिल जाएंगे जल्दी, अगले महीने हो सकता है पहली किस्त की पड़ जाएगी। और जो पहले माताओं बहनों को या भाइयों को परेशानी होती टॉयलेट के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो मोदी जी के नेतृत्व में हर घर शौचालय बना दिया, हमारा पागबड़ा ओडीएफ प्लस भी हो गया। मैं समझता हूँ पूरी नगर पंचायत में कोई घर ऐसा नहीं बचा जहाँ टॉयलेट ना हो बना हुआ। और आपका आयुष्मान कार्ड जो कभी किसी ने नहीं सोचा, आदमी कमाता है 10-12 हजार रुपए की नौकरी करता है, पढ़ाई का दौर है, बच्चों को पालता है,
सारी चीजें, लेकिन कभी कोई बीमारी एक लग जाती है तो 5-6 साल का आपका जितना कमाया वो होता है एक झटके में निकल जाता है। अब बीमारियों का दौर तो एक बीमारी आती आती रहती है, किसी समय का पता नहीं होता। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा कि इस गरीब को अगर मान लो कुछ ने जमा किया है उसका एक झटके में निकल जाता है, उसका बेचारेगा सुरक्षित कैसे रहे, तो सबके लिए आयुष्मान कार्ड की योजना जारी करी। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद रहे सभी लोगों द्वारा 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने एवं लंबी आयु की कामना की। इस अवसर पर नामित सभासद राजीव शर्मा, जयप्रकाश मंत्री, शरीफ अहमद, मुजस्सिम अंसारी, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद शहीम, मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद नदीम, शरीफ हुसैन, दिशांत दिवाकर, कुंवर पाल आदि लोग मौजूद रहे।